ओप्स, दूध फट गया। मेरे ख्याल से अक्सर सबके साथ यही होता होगा कि कितनी बार लोगों के घर में दूध फट जाता होगा। तो तब आप लोग सोचते होंगे को क्या करें फटे हुए दूध का, क्या बनाएं? क्या आपको पता है कि हम फटे हुए दूध से बहुत ही टेस्टी स्वीट बना सकते हैं? आज मैं आपको फटे हुए दूध से बना हुआ खोया सिखाऊंगी। वेलकम टू माय चैनल किचन मस्तानी और मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता गोस्वामी। देखिए चलने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और प्लीज अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स कर लेना, क्योंकि आपके कमेंट्स से मेरी जो वीडियो है दोस्तों उसको बहुत हेल्प मिलेगी। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये है मेरा फटा हुआ दूध, अब मैं क्या करूंगी इसको और पकाऊंगी ताकि जो दूध है बहुत अच्छे से फट जाए और जिस तरीके से मुझे खोया चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो मैंने गैस जला ली है और दूध को फाड़ना शुरू कर दिया है, मतलब फटे हुए दूध को और बॉईल करके और फाड़ूंगी। अगर आपका जो ये दूध है फटा ना हो और आपको खोया बनाना हो तो आप क्या करेंगे, एक नींबू ले लेंगे, नींबू को निचोड़ लेंगे और इसको फाड़ सकते हैं इजीली दूध को। तो देखिए ये कितने अच्छी तरीके से दोस्तों फट रहा है और इसका पानी है जो एकदम अलग हो जाएगा। अब पानी अलग होगा तो आपको पता है खोया अच्छा लगेगा। अब चलो हम इसको अलग कर लेते हैं पानी से, इसे छान लेते हैं छन्नी से। तो देखिए मैंने छान लिया छन्नी से। अब हम कढ़ाई में लेंगे एक चम्मच घी और इसको गरम करेंगे दोस्तों। तो इसको कम आंच में ही गरम करना दोस्तों। अब हम इसमें अपना खोया पलट लेंगे और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। कम से कम 10 मिनट तक पकाना है, क्योंकि 10 मिनट में क्या होगा जो इसका मॉइस्चर है वो अलग हो जाएगा, हमें एकदम ड्राई हो जाएगा हमारा खोया और एकदम टेस्टी होगा जिस तरीके से हमें बनाना है, एकदम मार्केट वाला खोया। तो मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक घुमाती रहूंगी, आपको भी कम आंच पे यानी लो फ्लेम में इसको हिलाते रहना है ताकि जो मॉइस्चर है वो एकदम ड्राई हो जाए, मॉइस्चर हट जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 चम्मच चीनी डालेंगे क्योंकि ये अच्छी तरीके से सूख चुका है और बाकी जो बचा होगा वो सूख ही जाएगा। अब हम इसको घुमाएंगे अच्छे से, मिला के चीनी इसमें अच्छे से घुमा लेंगे। दोस्तों काफी टेस्टी लगता है खोया, मुझे पता है लोगों को बहुत पसंद आता है और कितनी बार होता है कि हम मार्केट से ले नहीं पाते हैं। अब एक इलायची डाल दी है मैंने इसमें, इलायची से जो फ्लेवर है बहुत टेस्टी हो जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। इसको अच्छे से और पका लेंगे ताकि चीनी भी इसमें जो है मिल जाए अच्छे से। देखिए सूख चुका है, पानी का नामो निशान नहीं है, मतलब मेरा जो खोया है परफेक्टली बन चुका है। मैंने एक कटोरी में इसको डाल लिया है अच्छे से। देखिए एकदम मार्केट जैसा खोया बना है दोस्तों, दानेदार, एकदम मस्त और ऑसम। अब इसमें थोड़ा मैं केसर डाल लूंगी ऊपर से, ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, फिर रिप्लाई जरूर करती हूं। तो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में भर देना कमेंट बॉक्स को अच्छे अच्छे कमेंट्स करके। दोस्तों अभी एक वीडियो आ रही होगी, प्लीज उसको क्लिक कर लेना, उसमें आप एक और स्वीट की रेसिपी सीख सकते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बनाकर खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आप उस वीडियो को एंजॉय कीजिए और मैं भी चलती हूँ, बाय बाय, टाटा।